इन दिनों टीवी पर पुराने हिट शोज के सीक्वल्स के लाने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। हाल फिलहाल में कई पॉपुलर शोज के सीजन 2 लॉन्च किए जा चुके हैं या फिर जल्द ही दस्तक देने वाले हैं। अब बात हो टीवी के हिट शोज की, तो इस लिस्ट में दिल मिल गए शो भी सबसे आगे है। इस मेडिकल ड्रामे को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। शो में मेल लीड में नजर आए थे एक्टर करण सिंह ग्रोवर, जो कि बने थे डॉक्टर अरमान मलिक, और फीमेल लीड में नजर आई थी एक्टर शिल्पा आनंद, जिन्होंने डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता का किरदार निभाया था, और दोनों की ही केमिस्ट्री ने टीवी पर खूब धमाल भी मचाया था। लेकिन अब अरमान यानी कि करण की बातों से ऐसा लगता है कि शायद ऑडियंस को जल्द ही इस सुपरहिट शो का नया सीजन भी देखने को मिल सकता है। यह दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान करण ने इस शो के दूसरे सीजन को लाने पर अपनी इच्छा जाहिर की है। जहाँ टेलीचक्कर से खास बातचीत में जब करण से ये पूछा गया कि कसौटी जिंदगी की और कबूल है के बाद वो किस शो का सीक्वल देखना चाहते हैं, तो करण ने अपने इस सुपरहिट शो दिल मिल गए का नाम लिया। करण ने कहा, ये बहुत ही मजेदार होगा अगर दिल मिल गए का सीक्वल आता है, तो इसे कबूल है के फॉर्मेट में सीरीज के रूप में आना चाहिए। डॉक्टर के बारे में ही OTT पर कुछ ऐसा लाना चाहिए जिसे देखने के लिए ऑडियंस एक्साइटेड हो, ये बहुत ऑथेंटिक होगा। वही जब करण से ये पूछा गया कि शो की स्टारकास्ट में कौन होना चाहिए, तो करण ने अपना नाम ना लेते हुए कहा, मैं वो नहीं हूँ जिसे मेल लीड के लिए कॉल किया जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर शुभांकर, जिनका किरदार अयाज खान ने निभाया था, वो इसका पार्ट बनेंगे। पर करण ने तो सिर्फ अपनी इच्छा ही जाहिर की है शो के दूसरे सीजन को लाने पर, लेकिन क्या पता दूसरे तमाम टीवी शोज की तरह ये शो भी जल्द ही अपने नए सीजन की तरह लौट कर आ जाए। आपको बता दें कि दिल मिल गए शो साल 2007 में स्टार वन पर ऑन एयर किया गया था, और ये शो साल 2010 तक फैंस को एंटरटेन करता रहा था। शो में करण सिंह ग्रोवर, शिल्पा आनंद, स्कृति कंडपाल, जेनिफर विंगेट, मुस्कान निहानी, सुनैना गुलिया, पंकित ठक्कर समेत कई जाने माने स्टार्स नजर आए थे। ये शो साल 2002 में आए शो संजीवनी का सीक्वल था, जिसे वैसी ही कामयाबी मिली थी जैसे संजीवनी शो को मिली थी। हालांकि अब देखना तो ये है कि दिल मिल गए पार्ट 2 आता भी है या फिर नहीं। वैसे आप क्या चाहते हैं? क्या इस सुपरहिट शो को एक बार फिर से लौट कर आना चाहिए? शेयर कीजिए अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।